हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी के दूसरे सेशन में आपका सभी का स्वागत है। जो हमने पिछला सेशन लिया था उसमें मैंने आपको एक सेशन में स्वर बताई थी और एक सेशन में क्या बताया था, व्यंजन बताए थे, हिंदी जो वर्णमाला है उसके। और आज हमें पहले से शुरुआत करनी है। पहला लेटर है अ, हमें पता है अ से अनार। देखो क प्लस अ क्या होता है, क, क से कमल। घ प्लस अ घ, घ से क्या होता है, घर। न प्लस अ न, इससे क्या होता है, नल। फ प्लस अ, उससे बनता है फ, और फल, फल मीन्स फ्रूट, बराबर ना। तो आपको क्या करना है, ये जो व्यंजन है हिंदी के जो वर्णमाला में है वो क्या करने हैं, एक बार आपको लिखने हैं और उसके बाद मैं आपको वर्ड्स बनाना यानी शब्द बनाना आज सिखाने वाली हूँ। देखो क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ध न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ळ क्ष त्र ज्ञ श्र। ये जो हमारे व्यंजन है वर्णमाला के, ये आपको दो बार लिखने हैं। आप अभी बोलोगे पहले भी टीचर ने लिखने बोला था और आज फिर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रैक्टिस होने के लिए आपको ये फिर से दो बार लिखना है। और ये सब तो हमारा हो गया है, और इसके आगे जाके आज हम क्या सीखेंगे, शब्द सीखेंगे कि जिसको किसी भी प्रकार की काना या मात्रा नहीं है। देखो पहला है रथ। रथ पता है आपको, राजा महाराजा जो घोड़ा गाड़ी यूज करते थे उसे क्या बोलते थे, रथ। हल, हल मतलब खेत में काम आता है, जो जमीन पूरी कुरेद देता है और उसके बाद किसान क्या करता है, अनाज बोता है। जग, पानी का जग तो सबको पता है, सब जग से प्याले में पानी लेके पीते हैं। उसके बाद मगर, मगरमच्छ जो पानी में रहता है। फिर बर्तन, बर्तन जो कहाँ पे मिलते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, बनाती है मम्मा खाना, बराबर ना, बर्तन। उसके बाद भगत, भगत यानी पंडित जो भगवान की पूजा अर्चना करता है। उसके बाद कलम, कलम मतलब क्या, पेन कि जिससे हम लिखते हैं। बतख, बतख तो आप सबको पता है कि जो पानी में रहता है। सड़क, सड़क यानी रास्ता। उसके बाद मटर, मटर सब्जी है जो हम पनीर मटर की सब्जी खाते हैं, बराबर ना, सबको पसंद है वो मटर, ओके। उसके बाद है अचकन। इसके बाद है शरबत, शरबत पसंद है ना सबको, जो गर्मी में पीते हैं, नींबू का शरबत, गुलाब का शरबत, है कि नहीं। उसके बाद कसरत, कसरत यानी एक्सरसाइज, ये सर नो एक्सरसाइज जो करते हैं ना, व्यायाम बोलते हैं हम उसे, सुबह सुबह उठते के साथ करते हैं, बराबर ना, अच्छी बात रहती है। उसके बाद है टमटम, टमटम यानी ये भी एक गाड़ी का टाइप है। उसके बाद बरगद, बरगद तो सबको पता है, सबसे बड़ा पेड़ कि जो हमें ज्यादा मात्रा में प्राणवायु देता है, बराबर ना, विशाल पेड़ है कि नहीं, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, बनियान ट्री, बराबर ना। ये जो वर्ड्स मैंने अभी बताए हैं ये आपको क्या करने हैं, एक बार पढ़ने हैं, और एक वर्ड फाइव टाइम्स यानी एक जो शब्द है वो कितनी बार लिखना है, पांच बार, बराबर ना। तो आपको मैंने होमवर्क क्या दिया, क से लेके श तक आपको एक बार पढ़ के लिखना है ताकि आप भूल ना जाओ। दूसरी बात, आपको जो अभी मैंने ये वर्ड्स या शब्द पढ़ाए हैं वो एक शब्द पांच बार ऐसे शब्द लिखने
है। मुझे उम्मीद है कि हिंदी के दूसरे सेशन तक मीन्स तीसरे आने वाले सेशन तक आप आपका होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट करके क्लास के ग्रुप में भेजोगे। थैंक यू।